नमस्कार दोस्तों, सिविल सॉल्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ आर्च मेसनरी। आज हम सीखेंगे जो हमारी सेमी सर्कुलर आर्च होती है उसका वॉल्यूम और उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्च में यूज होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स को। तो सबसे पहले स्पान। स्पान हमारा क्या होता है? ये जो हमारी आर्च की दोनों सपोर्ट हैं, इन दोनों सपोर्ट के बीच का हमारा जो इन टू इन लेंथ होता है, इसको हम कहते हैं स्पान, जिसको यहाँ स्मॉल एस से डिनोट किया गया है। इसके बाद आर हमारा यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ द आर्च। स्पान का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? रेडियस ऑफ द आर्च। इसके बाद बी हमारा यहाँ पे क्या है? ब्रेथ ऑफ आर्च। टी हमारा यहाँ पे क्या है? थिकनेस ऑफ आर्च। इसके बाद एम आर हमारा यहाँ पे क्या है? मीन रेडियस। अब यहाँ पे देखें, हमारी जो आर्च की टोटल थिकनेस है उसमें से अगर हम हाफ थिकनेस रेडियस में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन रेडियस। इसके बाद एम एल हमारा यहाँ पे क्या है? मीन लेंथ ऑफ द आर्च। ये जो आप येलो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये हमारी क्या है? मीन लेंथ ऑफ द आर्च। मीन लेंथ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आर्च के केस में हमें ना ही तो आउटर आर्च का लेंथ लेना होता है और ना ही इनर आर्च का लेंथ लेना होता है। हमें क्या करना होता है? आउटर और इनर के बीच का जो हमारा मीन लेंथ होता है आर्च का, ये हमें लेना होता है। तो ये हमारी आर्च की कुछ बेसिक टर्म्स थी। अब यहाँ पे देखें, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें उसके वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो वॉल्यूम हमारा तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या थिकनेस से। अब आर्च के केस में हम थिकनेस और ब्रेथ तो हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो आर्च का लेंथ होता है उसको निकालने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो ये जो हमारा आर्च का मेन लेंथ है, इसको निकालने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई इंटू एम आर। हमें क्या करना है? जो हमारा मेन रेडियस जो आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है पाई से। तो मीन रेडियस को पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? मीन लेंथ ऑफ द आर्च। तो मीन लेंथ ऑफ आर्च निकालने के बाद हम आर्च का वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ आर्च निकालने के लिए आपको करना क्या है? मीन लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है आर्च की थिकनेस और ब्रेथ से। तो चलिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है, कैलकुलेट क्वान्टिटी ऑफ ब्रिक्स इन ए सेमी सर्कुलर आर्च विद फॉलोइंग डाटा। स्पान ऑफ द आर्च आपको दिया है 3 मीटर, थिकनेस ऑफ आर्च आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ आर्च या फिर ब्रेथ ऑफ वाल आपको दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इस आर्च के लिए आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स का कैलकुलेशन करना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस आर्च का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ आर्च निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था? मेन लेंथ को हमें मल्टीप्लाई करना होता है आर्च की थिकनेस और ब्रेथ से। अब यहाँ पे आर्च का थिकनेस और ब्रेथ तो हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन आर्च का मीन लेंथ हमें कैलकुलेट करना होगा। तो मीन लेंथ ऑफ आर्च निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था? पाई इंटू एम आर। तो मीन लेंथ ऑफ आर्च निकालने के लिए हमें सबसे पहले आर्च का मीन रेडियस निकालना होगा। तो आर्च का स्पान हमें 3 मीटर दिया है, तो रेडियस ऑफ आर्च हमारा क्या हो जाएगा? स्पान का हाफ, 3 / 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब हमें निकालना है मीन रेडियस। तो मीन रेडियस हम कैसे निकालते थे? जो हमारा आर्च का टोटल थिकनेस है उसका हाफ थिकनेस हम ऐड करते थे रेडियस में, तो हमें क्या मिल जाती थी? मीन रेडियस ऑफ द आर्च। तो रेडियस ऑफ आर्च हमारा कितना आया था? 1.5 मीटर। तो 1.5 प्लस हमें क्या करना है? हाफ थिकनेस ऑफ आर्च इसमें ऐड करना है। तो आर्च का टोटल थिकनेस हमारा 30 सेंटीमीटर था, तो 0.30 मीटर। यहाँ पे आर्च के थिकनेस को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आर्च का थिकनेस कितना हो जाएगा? 0.30 मीटर। इसको हमें डिवाइड कर देना है 2 से। तो इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो मीन रेडियस आ जाएगा 1.65 मीटर। तो मीन रेडियस निकालने के बाद हम इजीली आर्च का मीन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन लेंथ ऑफ आर्च निकालने के लिए आपको सिंपली करना क्या है? पाई को मल्टीप्लाई कर देना है एम आर से, यानी मीन रेडियस से। तो पाई इंटू एम आर हमने कितना निकाला था? 1.65। तो पाई इंटू 1.65 इज इक्वल टू 5.18 मीटर आपका मीन लेंथ ऑफ द आर्च आपका यहाँ से आ गया। तो आर्च का मीन लेंथ निकालने के बाद हम वॉल्यूम ऑफ आर्च इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें करना क्या है? मीन लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है आर्च की थिकनेस और ब्रेथ से। तो आर्च का मीन लेंथ हमारा कितना आया था? 5.18 मीटर। 5.18 मल्टीप्लाई आर्च का थिकनेस हमें कितना दिया था? 30 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आर्च का थिकनेस आ जाएगा यहाँ से 0.30 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आर्च का ब्रेथ हमें दिया था 40 सेंटीमीटर, तो 0.40 मीटर। तो इन सभी को सॉल्व करने पे हमारा आर्च का वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा 0.62 क्यूबिक मीटर। तो आर्च का वॉल्यूम हमारा यहाँ से आ गया। तो अब हम इजीली इस आर्च के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं।
आप सभी को पता है 1 क्यूबिक मीटर में हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगती हैं 500। तो 1 क्यूबिक मीटर में हमारी 500 ब्रिक्स लगती हैं, तो 0.62 क्यूबिक मीटर में हमारी कितनी ब्रिक्स लगेंगी? 0.62 × 500 इज इक्वल टू 310 नोज। तो इस आर्च को बनाने के लिए आपको टोटल इसमें 310 ब्रिक्स चाहिएगी। तो इस तरह से आर्च का वॉल्यूम और उसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।